हेलो, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज शाम 5 अगस्त को 5 बजे आप लोगों का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो NIOS के पब्लिक एग्जामिनेशन के बच्चे हैं उनका रिजल्ट आज शाम 5 बजे 5 अगस्त को फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से बच्चे एंग्जाइटी के माहौल में थे। पहले तो बच्चों को एक बार ये सोचना पड़ रहा था कि वो प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। CBSE और ICSE बच्चों के बोर्ड को प्रमोट करने के बाद NIOS के भी बच्चों काफ़ी मुहिम के बाद बच्चे NIOS के प्रमोट हो गए। उसके बाद काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम ये था कि रिजल्ट को जल्दी डिक्लेयर किया जाए। बच्चे एंग्जाइटी के माहौल में थे, डिप्रेशन के माहौल में थे। काफ़ी सारी इस परेशानियों को एकदम झेलने के बाद आज वो दिन आ गया है, 5 अगस्त को फाइनली 5 बजे आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा रिजल्ट है आप लोगों का। रिजल्ट के बाद हम लोग एक स्पेशल वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले यदि आप लोग चाहते हो कि अपना रिजल्ट आप मुझसे शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल आप लोग मेरे अपने रिजल्ट को मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको एक बार स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर शो कर देता हूँ, 8285030729। आप इस दिए हुए नंबर पर अपना अपनी प्रॉब्लम्स को भी हमसे पूछ सकते हो। आगे यदि आप 10th के बाद या फिर 12th के बाद, अभी तो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले जो सीनियर सेकेंडरी बच्चे हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उनको आगे चल के हायर स्टडीज में एडमिशन लेना होता है, इग्नू में या फिर DU में या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे फाइनली कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर उनके किसी भी सब्जेक्ट्स में किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका रिजल्ट, हर एक बच्चा क्या हो, पास हो, किसी भी टाइप का, किसी भी रिजल्ट में किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चे रिजल्ट चेक करें, भगवान करे उनका रिजल्ट अच्छा ही आए, पास आए, सब बच्चे क्या हो जाए ना इसमें अच्छे अच्छे नंबरों से क्या हो जाए, पास हो जाए। क्योंकि बच्चों का इस बार छोड़ी एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। हम लोग मिलते हैं रिजल्ट के बाद एक नई वीडियो में मिलेंगे, एक स्पेशल वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा है। यदि रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे, आप अपने रिजल्ट को मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपने रिजल्ट को शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका रिजल्ट के बाद हम एक फाइनली एक स्पेशल वीडियो में मिलेंगे। कोई भी डाउट्स हो रहा हो तो आप इसके रिगार्डिंग अभी कमेंट्स कर सकते हो तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। जैसे कि अभी 10th वाले बच्चों का रिजल्ट अभी फाइनली डिक्लेयर नहीं हुआ है। पहले हम लोगों ने कहा था कि पहले पब्लिक एग्जामिनेशन में पहले 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 अगस्त या 5 अगस्त तक को बच्चों का जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं यानी कि 12th क्लास के बच्चे हैं ना इसके, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा जो पब्लिक एग्जामिनेशन है। उसके बाद सेकेंडरी वाले बच्चों का एग्जाम का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो 10th वाले बच्चों हैं उनका रिजल्ट 7 अगस्त तक उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो 10th वाले बच्चे बिल्कुल भी दुखी ना हो, ये मत समझिए कि 2 दिन बाद उनका रिजल्ट निकल रहा है। ऐसा होता है, CBSE बोर्ड में भी आपने देखा होगा, पहले 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 2 दिनों के बाद 10th वाले बच्चों का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो 10th वाले बच्चे बिल्कुल भी नर्वस ना हो, आप अपने बड़े भाइयों के रिजल्ट का वेट कीजिए कि 12th वाले बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है, अच्छा आएगा। और सभी रिजल्ट्स अपने अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने नंबर को शेयर कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी के बेसिस पे इस बार आपको मार्क्स, सॉरी TME एंड प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शाम 5 बजे NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने रिजल्ट को जरूर चेक कीजिएगा। अभी अपने रोल नंबर को, इनरोलमेंट नंबर को और जो कैप्चा कोड है, मैंने एक प्रोसेस में बता रखा है कि आपको रिजल्ट को कैसे चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, nios.ac.in। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होगा, उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड डालना होगा। यदि आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम हो रही हो तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि सर्वर इशू आ सकता है, सर्वर पे एरर आ सकता है, आपको पता होगा। क्योंकि हम रिजल्ट चेक करते हैं तो एरर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप यदि रिजल्ट चेक करोगे, एक साथ 4 से 3 लाख बच्चे यदि रिजल्ट को चेक करें तो सर्वर क्या होता है, कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। आप लोग को पता होगा CBSE के केसेस में भी ऐसा ही हुआ था। यदि आपका रिजल्ट कुछ समय बाद निकले तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा, आप डिप्रेशन में मत आने लगेगा कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा, हम टेंशन में आ गए। तो आप सभी का रिजल्ट आएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। यदि सर्वर का प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का टेंशन आप मत लीजिएगा, सभी भाइयों का रिजल्ट अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक, कोई भी दिक्कत होती हो तो आप मुझसे रिजल्ट के रिगार्डिंग, मैं भी आप लोगों का रिजल्ट आपको चेक करके आपको फाइनली दे दूंगा। जब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में मिलेंगे रिजल्ट आने के बाद। धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।